मेहंदी रचने वाली का आज का एपिसोड काफी ट्विस्ट भरा होगा और यहाँ पर से शुरू होगी एक नई कहानी पल्लवी और राघव की। दरअसल पल्लवी की होने वाली है बहुत ही ज्यादा बदनामी और उसके बाबा बिल्कुल भी उसके नहीं सुनने वाले हैं। बाबा बिना सोचे समझे अब पल्लवी जैसे ही घर लौटेगी उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे और पल्लवी को साफ कह देंगे कि अब इस घर के रास्ते हमेशा के लिए तुम्हारे बंद हैं। और दूसरी तरफ राघव जैसे ही पहुंचेगा, बेचारा कैसे तैसे पहुंचे थे और उन घर वालों को पहले से गलत फहमी हो चुकी है और उसकी माँ तक भी ये खबर पहुंच चुकी है वो पल्लवी को लेकर गायब हो चुका है और यहाँ पर वो कुछ नहीं सुनती और राघव जैसे सामने आता है जोरदार तमाचा मार देती है। राघव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि पल्लवी की वजह से उसे तमाचा पड़ा है, तो दूसरी तरफ पल्लवी के साथ भी ऐसा ही सीन हो जाता है कि उस राघव की वजह से उसे घर से धक्के देकर निकाला गया और उसकी बदनामी की गई। तो यहाँ पर दोनों ही अबड़ जाते हैं कि तुम्हारी दोनों ही एक दूसरे की जिद पर अड़ जाते हैं। कहते थे अब अगर तुम्हारी वजह से इतनी बदनामी हुई है तो अब यही सही, अब तुम हम दोनों ही शादी करेंगे और उसके बाद नहीं वो एक दूसरे का घमंड तोड़ने के लिए ये शादी करने वाले हैं। तो भाई आने वाला है टर्निंग पॉइंट जहाँ पर राघव और पल्लवी दोनों ही शादी के मंडप में बैठेंगे और कर लेंगे शादी और रचेगी मेहंदी राघव के नाम की पल्लवी के हाथों में, जिसे देखने के लिए बेसब्री से फैंस कर रहे हैं इंतजार। लेकिन यहाँ से ये हैड स्टोरी लव स्टोरी में कैसे बदलेगी ये तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे राघव हमेशा ही पल्लवी की देख केयर करता है लेकिन उसका एटीट्यूड ही राघव और पल्लवी के बीच में आ जाता है। और तो दोस्तों आने वाला एपिसोड अब काफी ज्यादा धमाकेदार होंगे जहाँ पर अब टर्निंग पॉइंट आ चुका है जहाँ पर अब राघव और पल्लवी की शादी होगी। तो कितना एक्साइटेड इन दोनों के साथ देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे के एपिसोड के अपडेट जल्दी कर हाजिर होंगे।